जिलाधिकारी केविजन पांडियन के निर्देशानुसार नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने नगर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करके रोस्टर के अनुसार दुकानों के खुलने की स्थिति, सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन की स्थिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मास्क न लगाने और बिना कारण घूम रहे 30 लोगों का चालान करते हुए 5,000 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया। रोस्टर के अनुसार खुली दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन सही से न होने पर दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, नगर क्षेत्र में जो भी लॉकडाउन हुआ है उसके अनुपालन में अतिक्रमण किया गया और यह देखा गया कि जो अनावश्यक रूप से लोग निकल तो नहीं रहे हैं, इसके अलावा किसी भी प्रतिष्ठान पे जो खुला है उस पर अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगी हुई है। इसी क्रम में अभी जांच की गई, जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो मास्क लगाए हुए नहीं लगाए हुए हैं, तो इन सब जांच करने के बाद लगभग 30 लोग का चालान किया गया और लगभग 5,000 रुपए चालान शुल्क वसूल किया गया है। ये चालान उन लोगों पर किया गया है जो अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहे थे या लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे अथवा मास्क नहीं लगाए हुए थे। इसके अलावा जिन प्रतिष्ठानों पर भीड़ थी उन प्रतिष्ठानों को भी सख्त चेतावनी दी गई है कि अपने एसोसिएशन नॉर्म्स का पालन कराएं और जनता से भी यही अपील की गई है कि अगर वो घर से बाहर निकलें तो सिर्फ आवश्यक काम से निकलें और मास्क का उपयोग जरूर करें।